के आयोजकों की ओर से आस्था का पवित्र पर्व छठ के अवसर पर स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन। प्रिय भक्तों, आज इस पावन अवसर पर हम जो झांकी दिखाने जा रहे हैं वह हमारे धर्म ग्रंथों से लिया गया एक महत्वपूर्ण अंश है। अंतर पहले देवगण अमर नहीं हुआ करते थे, उन्हें भी अमृत की आवश्यकता थी और दानव भी अमृत पीकर अमर होना चाहते थे। भगवान विष्णु, ब्रह्मा और महादेव के सलाह पर देवताओं और दानवों के बीच समुद्र मंथन प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया, क्योंकि समुद्र के गर्भ में बहुत सी मूल्यवान वस्तुएं थी जिनमें एक अमृत भी था। इसी पर आधारित झांकी को अपनी कला के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं और हर टोली हजारीबाग के मशहूर कलाकार विजय लीजिए। प्रस्तुत है झांकी समुद्र मंथन। तुम लोगों ने हट करके हमें नीचा दिखाने के लिए महादेव से शेषनाग के फल वाले ऐसा मांग लिया। अब समुद्र मंथन के समय हमें ही दोष दे रहे हो। अरे चुप ही रहो, शीघ्र मंथन करो, लगता है अब समुद्र से कुछ विशेष वस्तु हमें प्राप्त होने वाली है। अरे देवगण, ये विशेष बोले सुन रहे हैं मर जाए तो इसे आप ही ले लीजिए। देवराज इंद्र ले लीजिए आप। हम
क्यों नहीं? तुम सब जानो, तुम सब इसका विष बिता सकते हो। कदापि नहीं, हम विष नहीं लेंगे। हम भी विष नहीं लेंगे। इसका नैने, इसका नैने महादेव करेंगे। महादेव, हाँ हाँ, महादेव करेंगे। आपस में मत लड़िए, संसार के हित के लिए मैं ही विष पी लेता हूं। से हम सभी आपको नीलकंठ के नाम से भी याद करेंगे प्रभु। अब आपसे विलंब मत कीजिए और पुनः समुद्र मंथन प्रारंभ कीजिए। प्रकट होइए विष्णु जी, प्रकट होइए।
देते हुए जाए। कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं। यह अमृत कलश अब मेरे हाथों में है, इसका स्वामी मैं हूं। मैं छल से प्राप्त किया हुआ धन किसी को नहीं मिलता। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, अविलंब यह अमृत कलश मुझे दे दो, अन्यथा इसी चक्र से तेरा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। उससे पहले मैं यह अमृत पी लेता हूं। रुक जा राहू, रुक जा। मैं इसे अपने मुख से लगा रहा हूं। इस अमृत को तेरे कण से नीचे उतरने से पूर्व मैं तेरा सिर काट दूंगा। इसने तो एक घूंट अमृत पी भी लिया। हाँ देवराज, अब सिर्फ इसका कटा हुआ सिर ही जीवित रहेगा और आकाश ब्रह्म होगा। यह एक बुरे ग्रह के रूप में जाना जाएगा।